हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर कुमार बोल रहा हूँ। ये मेरे पास एक 40 इंची का LED बनने के लिए आया है, जिसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम है। ये देखिए, मैंने बैकलाइट नया लाया है, अभी लगा रहा हूँ इसमें। ये मैंने सारा इसका खोल के रख रखा पेपर वगैरह, और ये इसमें थोड़ा सा इसका बैकलाइट बड़ा था तो मुझे सेम नहीं मिला है। ये 7 LED का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 3 वोल्ट का है, 7 LED का है, 3 स्ट्रिप लगा हुआ है। मैं इसमें तीनों को बैठा लेता हूँ एक बार, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने लगा दिया है दोस्तों। अभी मैं LED टेस्टर से मैं इसे चेक कर रहा हूँ, मेरा सारा LED गो कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये मेरा टोटल जल रहा है, तो अब मैं इसके ऊपर से रिफ्लेक्टर वगैरह लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे सेम LED तो मिला नहीं है, तो हो सकता है कुछ कटिंग भी करना पड़े। तो मैं एक बार इसके ऊपर शीट बैठा लेता हूँ, उसके बाद फिर एक बार और लाइट चेक कर लूँगा। ये देखिए, मैंने ऊपर से शीट लगा दिया है दोस्तों, और ये मैं टेस्टर से चेक कर लिया हूँ, बिल्कुल सही लाइट जल रहा है मेरा। अब मैं इसे ऊपर, ये पैनल रखा हुआ है तो मैं इसे पैनल बैठा लेता हूँ। देखिए, ये आपका TV चल रहा है, बिल्कुल ओके है। दोस्तों, ये देखिए, मैंने TV को पूरा कस दिया है, और ये TV देख लीजिए, यही कंपनी का है, और पिक्चर मेरा बिल्कुल ओके है। इसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम था, जो मैंने इसका बैकलाइट चेंज कर दिया है, और TV को पूरी तरह कस दिया है। ये मॉडल नंबर इसका, ये बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। इसमें सिर्फ बैकलाइट का प्रॉब्लम था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।